दोस्तों, एम ट्रायंगल के अंदर बड़े बबल क्यों रह जाते हैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि मैं कंटिन्यू रिपेयरिंग और एम ट्रायंगल के रिपेयरिंग के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको चैनल अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये सामने हीटर प्लेट है और ये जो कैबिन है ये ओसीए हम जब लगाते हैं उसके रिगार्डिंग ये कैबिन है। अब इसके अंदर का जो एयर रहता है वो एयर मशीन पूरा निकाल लेती है और उसके बाद में प्लेट डाउन करके अब वो हीटअप करती है। हीटअप के थ्रू हमारा टच गिलास और डिस्प्ले अटैच हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो पैनल कंट्रोल, और पैनल कंट्रोल के अंदर हमें टाइमिंग मिलता है और टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब हम इसको किस हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, तो नॉर्मल सेटिंग आप देख रहे हो कस्टमाइजिंग दिया हुआ है, और उसके अलावा आप आपके हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। धन्यवाद।